हाँ साहब, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मतलब कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब 5-6 क्वेश्चन ही रहेंगे क्योंकि ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो ये जो क्वेश्चन रहेंगे तो कुछ 5-6 क्वेश्चन ही करवाऊंगा क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट में ज़्यादा आता नहीं है, मतलब वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर वैसे आता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन्होंने बोला है बी इज ग्रेटर देन ए, फिर बोला गया है प्रूव दैट, ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है तुमको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की दे रखी है, बोला इसका एक रूट होगा जो कि माइनस इन्फाइनाइट से ए में होगा और एक दूसरा रूट होगा जो बी से इन्फाइनाइट के बीच में होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, मतलब क्या समझ में आना चाहिए इसको देख के। तो इसको देख के ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं देखूँ, मान लो कोई दो नंबर मेरे को दे रखे होंगे, एक दे रखा होगा ए, एक दे रखा होगा बी, तो मेरा जो एक रूट है वो ए से माइनस इन्फाइनाइट पे है, यानी कि अल्फा यहाँ पर होगा कहीं पे, राइट है। और जो दूसरा रूट है वो बी से इन्फाइनाइट के बीच में है, यानी बी से इन्फाइनाइट यानी यहाँ पे, यानी कि बीटा जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसा लगेगा दिखने में इस टाइप का। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ए और एफ बी ये दोनों नेगेटिव होंगे, एफ ए और एफ बी जो होगा वो नेगेटिव होगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं, है ना, तो प्रूव हो जाएगा अपने आप ही। तो हमने डाल दिया, हमने एफ ए डाल दिया, एफ ए, तो एफ ए क्या होगा, एफ ए हो जाएगा ए माइनस ए, है ना, और ए माइनस बी माइनस वन। अब ए माइनस बी माइनस वन, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, क्या हो गया ये माइनस वन, और माइनस वन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली जब तुम बी डालोगे एफ बी, तो ये फिर से बी माइनस बी जीरो हो जाएगा, ये तो फिर से माइनस वन ही बचेगा, तो फिर से लेस देन जीरो हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड क्योंकि एफ ए और एफ बी दोनों के दोनों क्या है, माइनस वन दैट मीन्स क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यही है कि ये दोनों सच है, और अगर ये दोनों सच है तो ये कंडीशन बन जाएगी, और अगर ये कंडीशन सच है, अगर ये कंडीशन सच है तो ये बात एकदम सच लिखी हुई है, हैंस प्रूव्ड। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मैं ढूंढ के ला सकता था वो मैं लाया इसमें। अब इधर देखो, इधर ये क्वेश्चन देखो, इसमें उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस। अगर इसके रूट्स है मान लो अल्फा और बीटा, और इसके रूट मान लेते हैं मान लो ए और बी, ए और बी, तो ये बोल रहा है कि जो इसके रूट्स होंगे, जो ये ए और बी हैं, ये लाई करते हैं इनके रूट्स के बीच में, यानी कि अगर ये अल्फा है, अगर ये बीटा है, तो ये ए होगा और ये बी होगा। ये तो मैं प्रूफ करना है कि ऐसा एग्जिस्ट करता होगा, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो इसमें भी बिल्कुल मुझे उसी टाइप का प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी मैं वही मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये अगर ए है और ये बी है तो काइंड ऑफ ऐसा ही बनेगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम ये बोल देंगे कि जो भी इसके रूट्स होंगे, मतलब इसके रूट हैं ए और बी, तो इस फंक्शन को अगर मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, इसको मैंने एफ एक्स बोल दिया इसको, ठीक है, तो एफ के अंदर जब तुम ए डालोगे और जब तुम एफ के अंदर बी डालोगे तो ये दोनों नेगेटिव आने चाहिए, तो मैं अपनी बात को एकदम कह पाऊंगा। तो उसके मुझे ए और बी निकालने तो पड़ेंगे, तो यार ए और बी निकाल लो, उसमें क्या बड़ी बात है, इससे तो रूट निकाल लो इसके। तो अब रूट निकालते हैं इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का है तो दो तरीके हैं, या तो वो अपना तुम वो तरीका यूज़ करके देख लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो और वो सब चीज़ें। एक तरीका क्या है, डायरेक्ट जो देखना चाहिए तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ये मिलकर क्या बन जाता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो ये तो बनेगा। और इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स माइनस 1 माइनस ए और एक्स माइनस 1 प्लस ए इक्वल्स टू 0, एंड दैट मीन्स कि एक्स इक्वल्स टू एक बार आएगा 1 प्लस ए इस वाले से, और इस वाले से क्या आएगा, इस वाले से आएगा 1 माइनस ए। तो ये इसके दो रूट्स हो गए। ठीक है, अब ये तुम इसके अंदर डाल दो, किसके अंदर डालोगे, इस क्वाड्रेटिक के अंदर डालने बेसिकली। ठीक है, तो नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं अगर ऐसा अपना होगा या नहीं होगा, लेट्स चेक इट आउट। तो एक बार डालते हैं 1 प्लस ए, तो जब मैं 1 प्लस ए डालूंगा एफ के अंदर, एफ एक्स के अंदर, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 1, ए प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे क्योंकि ए प्लस 1 ही डाल रहे हैं इसलिए, तो ए ए माइनस 1। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, तो जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, सीधे सीधे खोलता हूँ मैं बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से, जैसे खोला जाता है वैसे खोलते हैं सिंपल, फिर आएगा 2 ए, तो ये हो जाएगा माइनस 4 ए, फिर ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो कितना हो गया ये सब चटपट के, ये 2 ए स्क्वायर हो गया, कट गया पूरा। ठीक है, फिर ये 2 ए है और ये है माइनस 5 ए, यानी कि माइनस 3 ए, माइनस 3 ए, और ये माइनस 2 1, यानी कि माइनस 3। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं इसके बाद, हमारा पॉइंट तो सिंपल सा है कि भैया एफ वन प्लस ए जो है इसको नेगेटिव होना चाहिए, यानी इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया एक यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 2 है इसलिए, तो जब ऐसा करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन माइनस 1/3। ठीक है, ये तो सिर्फ इसकी वजह से आ रही है, अभी हमारे पास दूसरा भी तो है, तो दूसरे के लिए क्या करोगे, तो दूसरे के अंदर डालोगे जब तुम एफ वन माइनस ए जब डालोगे इसके अंदर, है ना, 1 माइनस ए तो डालेंगे, तो एफ के अंदर 1 माइनस ए डाल के देखना, तो तुम्हारे पास आएगा कुछ इस टाइप से, ए जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, -1/4 से लेकर 1 तक के बीच में आ जाएगा। ठीक है, बस अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, तो मैं अपना आंसर मिल जाएगा ए का। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेना इन दोनों का, ओवरऑल तुम समझ में आ गया कि करना क्या है।
पॉइंट ये कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। तो ये मेजर मैप ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सब में वैल्यूएटिंग वाले क्वेश्चन है सब लाइन से, और दिख भी रहा होगा कुछ ना कुछ फैक्टर के फॉर्मेट में दिया हुआ होता है हमेशा। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, और ये दे रखा है और बोला है बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3। तो इसके बारे में कैसे सोचना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है हमसे। तो ये बोला गया है कि ये दोनों जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो हम क्या करें अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, मतलब क्या दिमाग में क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब मैंने देखा तो मैंने एक्स इंटू एक्स किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का आगे क्या लिखा हुआ है 1। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ऐसा थोड़ा बनेगा, सिर्फ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब उसने बोला ये ग्राफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये मान लो इसने एक्सिस को दो जगह पे कट किया, तो यहाँ इस इन सारी एक्स की वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा 1.3 है, इसने बोला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1.3, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1.3, ये बंदा जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो 1 और 3 इनको इसके अंदर ही होना पड़ेगा, हो सकता है ये 1 और 3 हो जाए, हमें नहीं पता। हमारा पॉइंट बस इतना सा है कि 1 और 3 को इसी में कुछ होना पड़ेगा, इसके अंदर। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 1 और 3 जो है या तो वो अल्फा के और बीटा के बराबर हो जाए, है ना, यानी अल्फा 1 हो जाए और बीटा 3 हो जाए, या तो ऐसा हो जाए, या फिर वो इनके बीच में रहे। सीधी बात ये है, तभी हमारा ये जो बोल रखा है ना उसने कि नेगेटिव होना चाहिए, कॉमन सेंस यार, इतना तो समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव इसी केस में होगा सिर्फ। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा 1 यहाँ पर है मान लो और 3 तुम्हारा यहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार F1 जो है वो भी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, और जो F3 है वो भी नेगेटिव आना चाहिए। तो लेट्स चेक इट आउट। तो F1 डाल दे इसके अंदर, तो 1 डाल के आएगा 1 माइनस 3 है। अरे ग्रेटर देन इक्वल्स लगा दो सीधे सीधे, क्योंकि अगर वो बाई चांस जो है, अच्छा एक सेकंड रुको रुको रुको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे। उसने पक्का बोला है लेस देन 0, यानी और यहाँ पे 1 और 3 पे क्या लगा है, क्लोज लगा हुआ है, यानी 1 और 3 कुछ भी कर लो वो रूट के बराबर नहीं हो सकते, यानी कि तुम्हारा अगर रूट है अल्फा तो अल्फा 1 के बराबर नहीं हो सकता और बीटा जो है वो इसके बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो जब तुम इसके अंदर 1 डालोगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें ऐसा करना नहीं है, हमें तो लेस देन 0 ही चाहिए, तो 1 और 3 जो है वो बीच में ही होना चाहिए, समझ गए। वो यहाँ पर मतलब यहाँ पे ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये 3 के बराबर नहीं हो सकता, 1 और 3 के बीच में ही हो सकता है। तो ये हटा दो इसमें से, क्या बोलोगे F1 इज लेस देन 0 और यहाँ से बोलोगे F3 इज लेस देन 0। तो F1 डाल दो इसके अंदर, 1 माइनस a माइनस 3 लेस देन 0, और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा समथिंग लाइक 3 माइनस 3a, और इधर को सॉल्व कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 3 माइनस a माइनस 3 लेस देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें उसने क्या बोला, उसने बोला कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, और बोला अल्फा जो है वो इसका रूट है, मैंने कहा ओके, फिर बोला बीटा जो है वो इसका रूट है, ओके, और अल्फा और बीटा एक दूसरे से बड़े हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। फिर बोला ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, इसका एक रूट है गामा, अच्छा तो तुम्हें बताना है गामा जो होगा वो क्या होगा। इस टाइप से तुम्हें चार रिलेशन टाइप की देनी है, बोला बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है गामा के लिए। तो अब हमें सोचना है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक बार हमने फिर से थोड़ा माइंड मैप बनाया कि यार देख अल्फा जो है वो इसका रूट है, तो इसमें अल्फा डाल देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगर ये बीटा जो है वो इसका रूट है, तो इसमें बीटा डाल देते हैं, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। मैंने कहा चलो सही है, इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। फिर उसने क्या बोला है, फिर उसने बोला है कि देन द इक्वेजन दिस हैज़ अ रूट गामा। तो इस बात को हम लोग कैसे समझें कि इसका रूट एक गामा है, मतलब ये तुम कैसे इसको हम प्रोसेस करें अपने दिमाग में कि इसका एक रूट गामा है। तो अब मेरे को मेरी नज़र गई ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन नंबर डी पे उसने बोला है कि गामा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। तो अब मैंने सोचा कि अगर गामा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है, तो व्हाट डज दैट मीन कि अगर मान लो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक होती, या फिर मान लो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक होती, दोनों ही केसेस में गामा जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ये तो बोलना चाह रहा है ये बेसिकली, बस इतनी सी बात है। तो उनका ठीक है, इसमें एक बार एफ अल्फा भी डाल देते हैं, एफ बीटा डाल देते हैं, हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तुम सीधे सीधे बोल देंगे ऑप्शन डी सही है हमारा, छुट्टी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं करके एक बार। तो एफ अल्फा देखो, एफ अल्फा यानी मैंने इसको एफ एक्स बोल रखा है, तो एफ अल्फा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c, ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास बी अल्फा प्लस सी पहले से है, तो ये किसके बराबर है एक्चुअल में, ये बराबर हो गया इसके ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ये समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने बी प्लस अल्फा सी को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये कहाँ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये उसके बराबर हो जाएंगे। अब ये लिखा हुआ है टू टाइम्स माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये फिर ये फिलहाल जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो ये तो मेरी पहली बात हो गई, ठीक। फिर मैंने बोला यार एफ बीटा देख तू, एफ बीटा, तो यार अब एफ बीटा के बारे में तुम क्या कह सकते हो, तो डाल देते हैं एफ बीटा, यार सोचना क्या है इसके बारे में। तो ये डाल दिया इसके अंदर मैंने, ठीक है, ये 2c। अब फिर से देखो,
फिर से मेरे को पहले से पता है, क्या पता है यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी बीटा प्लस सी। ठीक है, अब बी बीटा प्लस सी ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये हो गया अल्फा स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर नहीं है ये ए है ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जरा इसको करना फटाफट खोल लेना जरा इसको, तो जब इसको प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा, प्लस करते ही आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास टू हो गया। अब उसने मुझसे बोला कि एफ अल्फा और एफ बीटा को मल्टीप्लाई कर लो, यानी वन और टू को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो जरा इसको, क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और थ्री ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और आग का अंदर भी बता देगा कि ये क्या हुआ है, माइनस ए की पावर चार अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये पूरे टाइम पॉजिटिव है बिल्कुल, और इस पॉजिटिव को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया है नेगेटिव से, यानी ये हमेशा लेस देन जीरो होगा। अगर ये लेस देन जीरो हो गया दैट सिंपली मीन्स कि गामा जो है, जो गामा है तुम्हारा वो अल्फा और बीटा के बीच में है, तो हैंस प्रूव ऑप्शन नंबर डी जो है वो तुम्हारा सही हो गया। तो ये टफ क्वेश्चन तब हो जाता अगर कोई बच्चा ये सोचने की कोशिश करता, सीधे सीधे उसका ये आंसर लगा देना था। ठीक है, तो बस ये है, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो एक सेकंड जाओ। तो अब ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पाई की पावर ई डिवाइड बाई एक्स माइनस ई, इस टाइप से दे रखा है, तुम्हें बड़ा मतलब देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है पर समझ में नहीं आ रहा हिलाएंगे कैसे इसको, ये तो बहुत ही टफ लग रहा है देखने में, मतलब ऐसा लग रहा है ये तो होगा ही नहीं। अब बोला है कि एक रूट जो है, अब ये बहुत बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन में, उसने बोला है तुम्हें प्रूव करना है, तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो भी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना ये भयानक सा, इसका एक रूट जो होगा वो ई से पाई के बीच में होगा और जो दूसरा रूट होगा वो पाई से पाई प्लस ई के बीच में होगा। अब ये हमें बहुत बड़ा हिंट दे रहा है कि ये क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स का है, क्योंकि उसने रूट्स के बारे में बात करी है और फिर ये भी बोला कि एक रूट उसके मतलब इन दोनों के बीच में है और दूसरा रूट इन दोनों के बीच में है। ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा, मैं एक काम कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में एकदम से दिमाग में आ रहा है कि ये जो भी लिखा हुआ है, पहले तो इसको चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये एफ एक्स लिखा हुआ है मान लो, इसको मैंने एफ एक्स के बराबर कर दिया, तो एफ एक्स का थोड़ा एक तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, ये तो बहुत ही भयानक लग रहा है देखने में, तो एक्स माइनस ई, तो ये मैंने इसको थोड़ा बहुत एलसीएम एलसीएम ले लिया है। अब ये तुम्हारा नया एफ एक्स बन गया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब क्या पॉइंट है यहाँ पे, हमें निकालना है, हमें क्या निकाला था, हमें प्रूव करना था कि ये जो बंदा है, ये जो आया तुम्हारे पास, इसका एक रूट जो है वो ई से पाई के बीच में है और दूसरा पाई और पाई प्लस ई, तो ई पाई और पाई प्लस ई, इन तीनों की वैल्यू निकाल के देखो। ठीक है, उससे तुम्हें बहुत बड़ा हिंट मिलेगा क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स में हम यही करते हैं, है ना, बस वैल्यू से ही सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं बाहर। तो एक बार इसमें ई डाल के देखते हैं, तो अगर मैंने पहले वाले में ई डाला तो क्या आएगा, पाई की पावर ई, ई माइनस पाई, फिर आएगा ई माइनस पाई माइनस ई प्लस, अब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि ई माइनस ई जीरो, एंड सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस ई है ना, तो ई माइनस ई जीरो हो जाएगा, तो बस इतना ही बचा तुम्हारे पास। फिर सिमिलरली निकालो एफ पाई, तो पाई क्या आएगा, पाई आएगा तुम्हारे पास, देखो पहला वाला तो जीरो हो जाएगा एफ पाई पे, ठीक है, और ये जो आखिरी वाला ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ बीच वाला बचेगा, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, ई की पावर पाए पाए माइनस ई पाए माइनस ई, और ये हो जाएगा पाए माइनस ई। अब निकालो पाए प्लस ई, तो एफ पाए प्लस ई किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पाए की पावर पाए प्लस ई की पावर, क्योंकि बाकी दोनों तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, पाए प्लस ई माइनस ई, इधर से आएगा पाए प्लस ई माइनस पाए। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं फटाफट से, तो इसकी जिसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ई क्या है, ई होता है 2.78 के आसपास और पाई क्या होता है 3.14 के आसपास। ठीक है, 3.14 के आसपास, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो टू मतलब एक छोटा माइनस बड़ा है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव है ये चीज़, तो ये पाई की पावर ई, ये तो कुछ भी कर लो तुम पॉजिटिव ही है, और ई माइनस, तो ई और ई कट गया माइनस पाए, तो ये भी क्या है नेगेटिव है। अब प्लस माइनस माइनस, ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई, प्लस हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी कि ग्रेटर देन जीरो हो गई। फिर एफ पाई के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, थ्री माइनस टू टाइप्स कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, पाया मैं कर गया माइनस ई, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अगर आप तुम चेक करोगे तो एफ ई इंटू एफ पाई जो है वो नेगेटिव आ चुका है, और जैसे ही मैंने ये देखा मैं तुरंत तुरंत बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कि एक रूट जो होगा, वन रूट एक रूट होगा जो कि ई से पाई के बीच में होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब इसका देखते हैं, अब यहाँ देखो ये क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा बिल्कुल। अच्छा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि पाए तो पॉजिटिव होता है। फिर पाए प्लस ई माइनस पाए, पाए और पाए कट गया, सिर्फ ई बचा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एफ पाए इंटू एफ पाए प्लस ई, तो ये भी हमेशा सॉरी ये भी हमेशा लेस देन जीरो आएगा। और अगर ये लेस देन जीरो आ गया दैट मीन्स कि एक रूट होगा पाए और पाए प्लस ई के बीच में, और यही तुम्हें प्रूव करना था। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कोई बोलेगा ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम ई पाए या पाए प्लस ई तो डाल ही नहीं सकते, उसके लिए तो ये नीचे जीरो हो जाएगा, है ना, उसके लिए तो मामला गलत हो जाएगा भाई, उसके लिए तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा बेसिकली देखा जाए तो अगर यार इसमें अगर जीरो हो जाएगा, इसलिए तो मैंने एलसीएम लिया पहले, इसलिए मैंने एलसीएम लिया क्योंकि हमें तो ई और पाई डालना ही नहीं है ना इसमें। उसने ये कब बोला कि ई और पाई डाल के देखो इसके अंदर,
वो तो इनके डोमेन में है ही नहीं इसके अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको। इसके अंदर ना तो तुम ई डाल सकते हो, ना तो पाई डाल सकते हो, ना ही तुम पाई प्लस ई डाल सकते हो। ठीक है, हमने तो एक अप्रोक्सीमेशन लिया है, क्योंकि हमारा जो रूट होगा वो अलग चीज़ है यार। क्योंकि अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो अल्फा और बीटा तुम्हारे जो यहाँ पे दो रूट्स आने वाले हैं, वो अल्फा और बीटा जो होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो डोमेन के अंदर ही होंगे, पक्की बात है। क्यों होंगे? क्योंकि ना तो वो ई है ना पाए है। इसका डोमेन क्या होगा? अगर कोई बोलेगा इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब कि किसके लिए मशीन चलेगी तुम्हारी, तो कब चलेगी? सब हर हर नंबर की चलेगी, एक्सेप्ट ना तो ई आना चाहिए, ना पाए प्लस ई। तो हमने कब बोला ये होना चाहिए? हमने तो बोला इसके हमारा जो रूट होगा वो तो इसके बीच में होगा ना। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। ये मत समझना कहीं तुम यार इसके अंदर तो ई डाल ही नहीं सकते, इसके अंदर तो पाई डाल ही नहीं सकते, तो इसके अंदर डाल कौन रहा है? हमने तो एलसीएम ले लिया ना पहले, क्योंकि हमें तो एक अप्रॉक्सीमेटली चेक करना था, नेचर चेक करना था बेसिकली। अब ये देखो, एक और अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इफ, ये दे रखा है कुछ तुम्हें भयानक सा, और बोला गया है कि तुम्हें ए की वैल्यूज बतानी है जब तुमसे बोला जाए। अब ये क्या बनूंगा, ये है क्या एक्चुअल में, क्या बोल सकते हैं इसकी डिग्री जो होगी, इसकी जो डिग्री है वो 4 है। अबे देख, ये डिग्री क्या है? 2 है, और 2 का भी स्क्वायर कर रखा है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 4 हो गई, डेफिनेटली 4 है इसकी डिग्री। अब 4 डिग्री है तो रूट्स कितने होंगे? 4 रूट्स होंगे, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं इसमें, है ना, वही 4 रूट्स होंगे भी इसमें, और क्या। अब उसने बोला कि चारों के चारों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ये तुम्हारा पहली कंडीशन है। दूसरा बोल रहा है, अगर तुम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि चारों रूट जो होंगे उनमें से एक दो रूट जो होंगे वो रियल होंगे, दो रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, और जो बाकी हैं तुम्हारे ये वाला कि ऑल 4 इमेजनरी रूट जो है, कि भाई चारों के चारों रूट जो है वो इमेजनरी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हम लोग सोचें इसमें, क्या ना सोचें। तो पहले तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में ना कोई पैटर्न तो मैं दिख रहा है जो भी रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको टी मान लो। ये मेरे वर्ड्स को याद रखना, मैं बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ इस चीज़ को, कि कभी भी तुम देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है रिपीट हो रहा है इसमें पूरे। देखो तुम, यहाँ पर भी रिपीट हुआ, यहाँ पर भी रिपीट हुआ, तो इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने टी मान लिया। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखने में फिर भी फीलिंग सी आ रही है कि हाँ यार ये क्वाड्रेटिक जैसा कुछ लग रहा है, पर अभी तक तो ये, पर अब वही वाली बात होगी ना, दिक्कत क्या हो जाएगी यहाँ पर जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा। अब ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो जो इसके रूट्स आएंगे, मान लो इसके रूट है अल्फा और बीटा, मतलब क्या होगा इसका कि अगर टी इक्वल्स टू अल्फा डाल दूँ इसके अंदर में तो वो 0 हो जाएगा। ये जो चीज़ तुम्हारे सामने दे रखी है वो 0 हो जाएगी, पर तुमने जैसे इसको टी इक्वल्स टू अल्फा डाला ना, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर जब तुम डालोगे तो दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो अल्फा के बराबर है। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 है। अब ये क्या बन गया? ये फिर से एक और क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसके फिर से दो रूट्स होंगे। मान लेते हैं पी और क्यू, उसके दो रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर इस क्वाड्रेटिक को 1 बोलते हैं और इस वाली क्वाड्रेटिक को दूसरा बोलते हैं, तो पहली क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इस एक अल्फा के कोरिस्पॉन्डिंग दो रूट्स आएंगे पी और क्यू, और इस एक बीटा के कोरिस्पॉन्डिंग दूसरे रूट्स आएंगे। मान लो इसको पी वन और क्यू वन बोल देते हैं, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग आएंगे पी टू और क्यू टू। तो ये तुम्हारे वो 4 रूट्स हैं जिसके बारे में मैं बोल रहा है। आई होप सो तुम्हें सिस्टम समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे किस लेवल पे क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये तो ए वाली बात हो गई। अब इसके बाद हमें अब एनालिसिस करना है कि रियल डिस्टिंक्ट और ये सारी चीज़ें, तो ये सब हम कैसे करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बाद है ना, डिस्क्रिमिनेंट, बस डिस्क्रिमिनेंट भाई जिंदाबाद है हमारे, तो वही बचाएंगे इससे। पर ये तो कुछ भयानक सा धर्म संकट लग रहा है भाई सब, ये इतना सिंपल लग तो नहीं रहा है कि ये डी वी सी हो जाएगा, पर फिर भी लॉजिक तो वही लगेगा इसमें, है ना। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने टी माना था, ठीक है, और इससे मेरी क्वाड्रेटिक क्या बन गई थी? इससे मेरी क्वाड्रेटिक बन गई थी टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर प्लस ए टी प्लस ए टी प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी माना है, तो जल्दी से तुम ये बता सकते हो इसका वो क्या होगा, इसका डोमेन या रेंज क्या होगी इसकी बेसिकली? तो यार देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर मेरे को सिंपल से ऐसे दे रखा होता कि इस फंक्शन की डोमेन बता, तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक है, सिंपल क्वाड्रेटिक है, तो इसका वर्टेक्स निकालना जरा, इसका वर्टेक्स क्या होगा? तो इसका वर्टेक्स निकालो जरा, 2x+1 इक्वल्स 0, यानी कि x इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू -1/2, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे तो क्या आएगा? 1/4 और -1/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -1/4 आएगा। वॉट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारे पास ये फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये होगा -1/4 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्या लिखा हुआ है। और अगर ये जो है इतने से इतने में है, तो इसका मतलब टी जो होगा, जो टी होगा वो भी -1/4 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है ये बात की, मतलब आई होप सो लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से हमें एक और बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया कि अगर टी जो होगा, अगर टी की जो वैल्यू है वो अगर -1/4 से बड़ी है, यानी -1/4 से इनफाइनाइट इसके अंदर ही आ रही है, जैसे मान लो तुमने इसको सॉल्व किया, कौन सी वैल्यू को? इस क्वाड्रेटिक को तुमने सॉल्व किया, इससे तुम्हारे पास एक वैल्यू आ गई टी की, मान लो अल्फा आ गई। अभी जो अल्फा है ये कहाँ कहाँ लाई कर सकती है? या तो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगी,
या नहीं करेगी। अगर इस इंटरवल के अंदर करी और नहीं करी, ठीक है, अगर कर गई, मान लो अगर कर गई तो रियल वैल्यूज होंगी एक्स की, और अगर नहीं करी तो एक्स की रियल वैल्यू कैसे हो जाएंगी फिर? आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू टी, ये तो लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अगर उसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। किस टाइप से? अगर ये तुम्हारा मान लो एक्स है और ये है हमारे पास माइनस वन बाई फोर, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा था तुम्हारा? पॉइंट था तुम्हारा माइनस वन बाई टू, ये रहा वो माइनस वन बाई टू, तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो इस टाइप से कुछ बनना होगा। अच्छा ये ऑरिजिन से पास करेगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये मैंने गलत बना दिया ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से करेगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? ये जो मैंने ग्राफ बनाया वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। आई होप सो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है। अब जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये मुझे बोल रखा है इक्वल्स टू टी। अब टी जो है, टी क्या हो सकता है? कुछ टी कुछ भी हो सकता है, टू थ्री फोर वन माइनस वन पाई ई, कुछ भी हो सकता है टी। तो टी तो सिंपल सा एक मतलब एक नंबर टाइप का कुछ होगा टी, है ना। तो अब मान लो टी जो है वो माइनस वन बाई फोर से बड़ा है, मतलब यहाँ पे लाई करता है इसी इंटरवल के अंदर लाई करता है, तो टी किस टाइप का होगा? टी अगर किसने बोल दिया टी जो है वो मान लो टू के बराबर है, किसके बराबर है? टू के बराबर। तो टू तो कहीं यहीं पर होता है, तो टी टी इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा? ये इस टाइम पे क्या लाइन है? ये तुम्हारी टी की लाइन है मान लो, ठीक है। तो टी इक्वल टू यानी कि कुछ इस टाइप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच जाएगी तुम्हारे सामने। समझ में आ रही है क्या? मतलब समझ लो ग्राफिकली क्या समझ में आना चाहिए, मतलब क्या कितना एपिक क्वेश्चन है ये, कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ये एक साथ सिखा देगा। तो टी जो है वो टू के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच गई टी इक्वल टू के नाम से, और जहाँ जहाँ पे इसने इंटरसेक्शन किया ना, जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करी ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो टी के बराबर इस इन इन पॉइंट्स पे हो रहा है। किन पॉइंट्स पे? मानो इस पॉइंट को मैं बोलूँगा अल्फा और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ बीटा, बल्कि हमने जिस हिसाब से अपना काम किया है तो इसको मैं बोलूँगा पी वन और इसको मैं बोलूँगा क्या क्यू वन। इसकी बात कर रहा था मैं, आप समझ में आया तुम्हें कि जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी, इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे पी वन और क्यू वन। समझ में आ रही है बात? तो वो इसकी बात हो रही थी यहाँ पे। अब तुम खुद ही बताओ अपने लॉजिक से, अगर ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, इस टाइप से कुछ दे रखा है तुमको, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और तुम्हारा जो वाई इक्वल टू टू है, मतलब जो तुम्हारा टी लाइन है वो यहाँ पे यहाँ से पास कर रही है, तो क्या इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है क्या? इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है क्या? नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा यहाँ पे। अगर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टी ये कभी भी नहीं होगा किसी भी रियल वैल्यू के लिए, किसी भी रियल वैल्यू के लिए तो एटलीस्ट ये नहीं होने वाला है। तो ये किसके लिए होगा? ये होगा इमेजिनरी वैल्यू के लिए। किसके लिए होगा ये? योगा किसी इमेजिनरी वैल्यू के लिए हो रहा होगा, मे बी किसके लिए हो रहा होगा? किसी इमेजिनरी वैल्यू के लिए हो रहा होगा। और अगर ये किसी इमेजिनरी वैल्यू के लिए हो रहा है, दैट मीन्स कि इमेजिनरी वैल्यू मान लेते हैं, मान लो फिर से वही पी वन और क्यू वन, तो अब इसका मतलब हो जाएगा कि पी वन और क्यू वन क्या हो जाएंगे? हमारे इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो अब तुम्हें क्या समझ में आया? इतनी बात जो मैंने तुमसे बोली उससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मुझे उसको देख के एक चीज़ समझ में आई कि अगर मेरा जो टी है अगर वो माइनस वन बाई फोर से इन्फानेट के बीच में है, ठीक है, तो होंगे रियल रूट्स, दो रियल रूट्स होंगे तो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जो टी है वो इस इंटरवल में लाए नहीं कर रहा है तो भी रूट्स होंगे, तो मेरे होंगे दो इमेजिनरी रूट्स। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व है फिर तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो अभी तक की हमारी समरी क्या बनी कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो टी के बराबर है और टी जो है अगर वो माइनस वन में फोर से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है तो दो रियल रूट्स होंगे, और अगर दो रियल रूट किसके? इसके दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो टी बिलोंग्स टू अगर आर माइनस ये जो भी है अगर इसके अंदर एग्जिस्ट कर गया, यानी कि इस इंटरवल को छोड़ के लाया कर गया, तो दो इमेजिनरी रूट्स होंगे। आई होप ये बात मैं कंसेप्चुअली अब की बार समझ में आ गई, कंसेप्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो अगर ऐसा आ गया तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। पहला जो उसने बोला है वो उसने बोला है कि ऑल फोर रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑल फोर रियल रूट्स, ऑल फोर सर क्या बोल रहा हूँ, ऑल फोर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या है? क्या मतलब है बोलो बोलो? कि जो टी है, टी की भी हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, जो हमारा जो रियल क्वाड्रेटिक थी वो क्या बनेगी? वो तो ऐसे बनेगी ना कुछ टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा ये दोनों के दोनों माइनस वन बाय फोर से इन्फानाइट में होंगे तो दोनों के दोनों क्या देंगे? ये भी दो रियल रूट देगा इसकी वजह से और ये भी दो रियल रूट देगा, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे? चार रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। सिंपल,
आई होप सो तुम्हें बात समझ में आ रही है। अब ऐसा कब होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये तुम्हारा मान लो है -1/4, ठीक है, अगर ये तुम्हारा है -1/4 तो तुम्हारा कुछ इस टाइप से हो रहा होगा, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। तभी तो मैं बोलूंगा कि अल्फा और बीटा जो है वो -1/4 से इन्फाइनाइट के बीच में लाई कर रहे हैं। बोलो यही तो हो रहा होगा बिल्कुल, है ना। तो आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। मुझे पता कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, तो वो तुम इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, आने नहीं वाला है आईआईटी में, बिल्कुल मेरी तरफ से लिख के ले लो, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आईआईटी, क्योंकि बहुत ही एपिक लेवल का टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब ये समझ लो ये जो होते हैं ना स्टार बैचेस जो होते हैं वहाँ पढ़ाया जाता है इस टाइप की चीज़ें। तो मैं तो कहूँगा अभी तुम रहन दो अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि ऐसा कर सकते हो तुम, अगर अभी छोड़ दो इसको, मतलब अभी बस सुन लो जितना मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद जब तुम एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लोगे तो मैं बोलता हूँ ना कि दोबारा एक बार फिर से देखना है पूरा का पूरा कोर्स, दोबारा देखोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो अभी तो समझते हैं, फिलहाल पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो समझाने की, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो ऊपर से निकलती हैं। तो फिलहाल अल्फा बीटा जो है -1/4 से इन्फाइनाइट के बीच में है। अगर ऐसा हो गया कि अल्फा और बीटा इससे बड़े हैं, तो अब ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन नहीं लग रहा तुमको कि दो रूट्स हैं, ये उसकी क्वाड्रेटिक दे रखी है और उसके जो दो रूट्स हैं वो एक किसी के से बड़े हैं, राइट। तो इसकी क्या क्या कंडीशन होती थी? पहली कंडीशन होती थी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि -b/2a जो होगा वो -1/4 से बड़ा होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती थी? तीसरी कंडीशन होगी तुम्हारी कि जो एफ के अंदर जब तुम -1/4 डालोगे, -1/4 डालोगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब इन 0 को जब तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, बढ़िया। तो ये तुम्हारा अभी सिर्फ पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। दूसरे में उसने बोला है कि चार रूट्स हैं और उसमें से दो रियल हैं और दो डिस्टिंक्ट हैं, सॉरी दो रियल हैं और दो इमेजिनरी हैं, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर चार रूट में से कोई दो जो है वो रियल हैं, तो ये फिर से वही समझ लो, ये -1/4 ले लो, ठीक है। तो -1/4 से इनफाइनाइट ऐसे समझो कि तुम्हारा इस बार ऐसे कट करेगा। क्यों कट, ऐसे क्यों कट करा उसने? क्योंकि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा जो है वो -1/4 से इन्फिनिटी के बीच में लाए नहीं करता। अल्फा डज नॉट लाई बिटवीन इन दिस इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया? ये तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हें दो इमेजिनरी रूट देगा, ठीक है। और ये जो बीटा है, बीटा ये तुम्हें दो रियल रूट दे देगा। कहाँ से देगा? ये लॉजिक मैं कहाँ से बता रहा हूँ? ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने पूरा एनालिसिस किया ना, तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे तुम्हारा जो अल्फा है ना, अल्फा वो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा, और इस वाले केस में ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा। आई होप तो समझ में आ गया होगा। चलो खैर अब क्या बोले, इतना समझ में आ गया हमको भैया कि अल्फा के दो इमेजिनरी रूट्स देगा और बीटा जो होगा वो मेरे को दो रियल रूट्स देगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं बस इतना बोलूंगा कि एफ -1/4 इज लेस देन 0। भैया लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है तो कि तुम्हारा -1/4 जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में है, तो उसके हम क्या बोलते हैं, एफ -1/4 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लेना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तीसरे में उसने बोला है कि ऑल फोर इमेजिनरी रूट्स, अगर ऑल फोर इमेजिनरी रूट्स हैं तो अब क्या बनेगा। तो अगर अब ये तुम्हारा -1/4 है तो तुम्हारे दोनों रूट होंगे वो इस तरफ लाई करेंगे, ये अल्फा और ये बीटा। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा, एक तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a जो होगा वो लेस देन होगा -1/4 से, और एफ के अंदर जब -1/4 डालेंगे तो वो क्या कहते हैं उसको, वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि अल्फा जो है और जो बीटा है वो दोनों ही उस इंटरवल के अंदर लाइन नहीं कर रहा, तो ये भी तुम्हें दो इमेजिनरी रूट दे देगा और ये भी तुम्हें दो इमेजिनरी रूट दे देगा, और इसका मतलब टोटल मिला के कितने रूट हो जाएंगे, चार इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, हो गया भाई। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने करा दिए। इसके अलावा एक और बढ़िया वैरायटी बनती है टू वेरिएबल इक्वेशंस की, पर इसका पूरा जो रीजनिंग है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। वो इसका नहीं है, मतलब इसका पार्ट नहीं है, वो अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है।